हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन टू लर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक प्रोसीजर बताने वाला हूं जिसमें कि आप अपने हार्ड डिस्क के प्लेटर्स को आपके हार्ड डिस्क से निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके हार्ड डिस्क में ऐसा क्लिक साउंड आ रहा है, क्लिक क्लिक क्लिक, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस हार्ड डिस्क के बारे में समझ लेते हैं कि ये देखिए एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के नीचे के हिस्से को आप देखेंगे तो नीचे के हिस्से में देखिए एक सर्किट बोर्ड दिया हुआ है और इस हार्ड डिस्क के अंदर एक गोल सा बेसिकली हार्ड मटेरियल का एक प्लेटर होता है, मैग्नेटिक प्लेटर, जिसके अंदर कि आपका सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। और उस प्लेटर के ऊपर मैग्नेटिक हेड्स होते हैं जो कि डेटा को रीड और राइट करने का काम करते हैं, तो वो इस तरीके से मूव करते हैं प्लेटर्स के ऊपर। एक प्लेटर रहेगा, एक हेड नीचे रहता है, एक हेड ऊपर रहता है, तो इस तरीके से उस प्लेटर के ऊपर मूव करते हैं। ये क्लिक साउंड आने का जो बेसिकली वजह होती है वो ये होती है कि ये जो हेड है वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो वो एक पॉइंट पे आके क्लिक 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 आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बढ़ नहीं पाता, और इस वजह से आपके हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा क्लिक साउंड आता है। तो ऐसे में आप अगर उस हेड को थोड़ा सा अगर मूव करने की कोशिश करें और जहां पर वो अटक रहा है वहां से अगर आप उसको फ्री कर दें तो भी आपके हार्ड डिस्क के चलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और अगर बाय चांस उससे भी आपका काम ना होता हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी देखा है कि जो हेड्स होते हैं वो एक स्ट्रिप से बेसिकली चिपके होते हैं, अगर वो स्ट्रिप से निकल गए तो नीचे की तरफ थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। अब ऐसे में आप उसको फिक्स तो कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आपके पास में सॉल्यूशन ये बचता है कि आप इस हार्ड डिस्क का जो प्लेटर है उस प्लेटर को निकाल के दूसरे किसी हार्ड डिस्क में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिकॉशन बता देता हूं कि ये काम काफी सोफिस्टिकेटेड है और नॉर्मली एक्सपीरियंस लोग इस काम को करते हैं, तो अगर आप इस काम को करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, हाथों में ग्लव्स पहनिए, प्रॉपर टूल बॉक्स आपके पास में होने चाहिए, और अगर एक बार आपका जो हेड है उसका अलाइनमेंट अगर बिगड़ गया तो वो आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम हेड इसके प्लेटर्स वगैरह के साथ में जो भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसको निकालना है, दूसरे हार्ड डिस्क में लगाना है, तो अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो आपके हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी आपके हार्ड डिस्क के प्लेटर पर लग सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो काम है वो बिगड़ भी सकता है, इसलिए थोड़े से प्रिकॉशंस लेने इसमें जरूरी है। इस हार्ड डिस्क को ओपन करने के लिए टूल बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए ऐसा हेक्सागोनल टाइप के टूल्स हैं जो इसके स्क्रू हैं उसके लिए हम लोग इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस हार्ड डिस्क को ओपन करते हैं। अब इस हार्ड डिस्क के साथ एक प्रॉब्लम तो मैंने क्लिक साउंड की बता दी, वो इसके अंदर की है। कभी कभी इसका सर्किट बोर्ड भी खराब हो जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास में इसी तरीके की दूसरी कोई हार्ड डिस्क है जो कि जिसमें कि अंदर कुछ फॉल्ट है लेकिन बाहर सर्किट बोर्ड ठीक है, तो आप सीधे सीधे सर्किट बोर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, तो भी आपकी हार्ड डिस्क चल जाएगी। लेकिन अगर सर्किट बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है, तो फिर आपको इस हार्ड डिस्क को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं, इन स्क्रूज को ओपन करिए, और एक स्क्रू यहाँ पे हिडन होता है। अगर आप इसको ट्रेस ना कर पा रहे हो तो आप इस स्टिकर को निकाल भी सकते हैं, तो आपको ये एक हिडन स्क्रू भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस हार्ड डिस्क को ओपन कर लेते हैं। अब मैं फाइनली जो हिडन स्क्रू है इसको भी ओपन कर रहा हूं। इसके बाद में आप ये कवर जो है यहां से निकाल लीजिए, तो ये देखिए आपके पास में हार्ड डिस्क सामने आ जाएगी। इसके अंदर ये एक प्लेटर लगा हुआ है,
सॉलिड प्लेटर है, इसी में आपका डेटा स्टोर होता है। इसके अलावा ये आपके मैग्नेटिक हेड हैं, तो ये बेसिकली जब मूव नहीं करेंगे तो ये इस तरीके का क्लिक 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 साउंड इसी वजह से आता है। तो आप शुरुआत में तो ट्राई कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि अपनी पोजीशन पर रेस्ट हो जाए, फिर हार्ड डिस्क को पैक कर दीजिए बगैर कोई छेड़खानी करे और उसके बाद में चलाने की कोशिश करिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम्स बनी रहती है तो फिर आपके पास में एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप इस प्लेटर को निकालिए और दूसरी किसी हार्ड डिस्क, जो आपकी वर्किंग हार्ड डिस्क है जिसका कि हो सकता है कि प्लेटर काम ना कर रहा हो या वो हार्ड डिस्क आपके उतने यूज की नहीं हो, तो आप इस प्लेटर को दूसरे हार्ड डिस्क के प्लेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्रोसेस थोड़ी रिस्की है, इसमें आपकी जो आपकी दूसरी हार्ड डिस्क में आप जब इसको शिफ्ट करेंगे और आपसे अगर कहीं पे फिटिंग में कोई गलती हो जाती है तो हो सकता है कि ये जो हेड का अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाए और आपका काम ना बन पाए। तो आप इसके पहले अगर किसी एक्सपर्ट को जानते हो तो आप उससे एडवाइस भी कर सकते हैं कि इस काम को कैसे करना है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि प्लेटर आपको कैसे निकालना है। तो प्लेटर बेसिकली ये देखिए यहां पर इसके एक्सेस पे इस तरीके से घूमता रहता है, ये रोटेट होता है और इसके जो हेड्स होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है जिससे कि आपका हार्ड डिस्क से डेटा रीड और राइट होता है। अगर आपकी फिंगर कहीं पर टच हो गई तो आपकी फिंगर के जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपके प्लेटर पे आ सकते हैं, स्क्रैच पड़ सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका प्लेटर खराब हो जाए और आपका फिर डेटा रिकवर करने के चांसेस और भी कम हो जाए। तो इसलिए जो भी आप इस प्रोसेस में जो भी आप ये प्रोसेस करेंगे तो थोड़ा आपको ये ध्यान से करना है। तो सबसे पहले आप ये हार्ड डिस्क का जो प्लेटर है उसको ओपन करने के लिए इस तरीके का एक टूल मेरे पास और है, तो आप या तो खुद इसको होल्ड करके रखिए इसके एक होल में इसको इंसर्ट करके, या फिर आपके साथ में अगर कोई हो तो उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं कि एक हाथ से वो इसको पकड़े और आप इसको बीच वाले स्क्रू को इस तरीके से पकड़ के घुमा दें। ये देखिए ये स्क्रू बाहर आ गया, ये इसके ऊपर की एक प्लेट जो इस प्लेटर को होल्ड करती है वो भी बाहर आ गई, और एक और इसके साथ में रिंग लगी हुई है, बेसिकली ये अटैचमेंट है जो इस प्लेटर को उसकी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो हेड है इसके लिए रेस्ट बने हुए हैं, ये व्हाइट कलर का छोटा सा आपको अटैचमेंट दिख रहा होगा, तो एक ऊपर स्लॉट दिया हुआ है, एक नीचे दिया हुआ है और एक बीच में दिया हुआ है, तो बीच वाला हेड के लिए है और इसके नीचे वाले में आपका प्लेटर रेस्ट करता है। और अगर इस हार्ड डिस्क में एक प्लेटर और भी हो तो वो ऊपर के स्लॉट में होल्ड कर सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब ये प्लेटर आपका सीधे सीधे नहीं निकलेगा उस, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि इधर पे ये फिक्स है, तो इसके लिए आप क्या करिए, जो प्लेटर का जो रेस्ट है इसको ओपन करिए और आप हार्ड डिस्क के प्लेटर को ऐसे निकाल दीजिए। ये हार्ड डिस्क मेरी वर्किंग हार्ड डिस्क नहीं है इसलिए मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने, लेकिन आप जब ये काम करेंगे तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस, ग्लव्स और प्रॉपर टूल वगैरह साथ में रखने हैं। अब ये प्लेटर आपके पास में आ गया है, आप ऐसी दूसरी हार्ड डिस्क निकाले थे प्रॉपरली उनको वापिस से आप लगा दीजिए। इसके पहले आपको ये जो आपका रेस्ट है इसको भी लगाना पड़ेगा, देखिए प्रॉपरली स्लॉट में आ गया है। अब आप इसका यहां पे स्क्रू जो है वो फिक्स कर दीजिए। अब अगर आप ध्यान से काम करेंगे, हेड को आपने छेड़खानी नहीं करी होगी, मेरी हार्ड डिस्क खराब हार्ड डिस्क है जिसके ऊपर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, लेकिन आप जब काम करेंगे तो वर्किंग हार्ड डिस्क होगी, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इनका अलाइनमेंट बिगड़ गया हेड का तो आप समझ लीजिए कि इनका मूवमेंट ठीक नहीं हो पाएगा और आप बेसिकली जो काम करना चाह रहे हैं वो काम भी आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए
मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए और प्रिकॉशंस के साथ में इस प्रोसीजर को कंप्लीट करिए। अब ये देखिए फाइनली मैं इस स्क्रू को लगा देता हूं। और इसको आप अच्छे से फिक्स करिए, अच्छे से टाइट करना बहुत जरूरी है इसको, अदरवाइज आपका जो प्लेटर है वो भी मिसअलाइन हो सकता है। इसके बाद ये कवर लेके आप हार्ड डिस्क को क्लोज कर दीजिए। अब यहां पर देखिए आपके पास में एक्सटर्नल साटा कनेक्टर्स आते हैं, तो साटा कनेक्टर्स को आप इस पे लगाइए, पावर और डेटा दोनों के लिए कंबाइंड कनेक्टर्स आते हैं। इस हार्ड डिस्क को एज ए यूएसबी डिस्क आप किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कनेक्ट करिए, और अगर आपने कहीं कोई गलती नहीं करी है, सारा काम प्रॉपरली किया है आपने, तो आपकी हार्ड डिस्क चल जाएगी और आप इसके बाद अपनी हार्ड डिस्क से का जो डेटा है वो आप कहीं भी अपने डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे कॉपी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका जो वैल्यूएबल डेटा है उसको आप बचा सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्रोसीजर। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।